नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल शॉक्स एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिटेक लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन अब यह कंपनी थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इस कंपनी के लिए ये अच्छी बात है या फिर नहीं? जो लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए एंटर हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और जो लोग बाई करने की सोच रहे हैं उन्हें किस प्राइस पर बाई करना चाहिए, सब कुछ बात करूँगा डिटेल में इस वीडियो के अंदर। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी का डिटेल क्या बनता है। दोस्तों सबसे पहले अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 759 करोड़ का आपको मार्केट कैप देखने को मिल जाए। अगर इस कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तो काफी ज्यादा डेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा, 3,859 करोड़ का। लेकिन कंपनी के अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2,043 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इन्वेंट्री की बात करें तो 2,842 करोड़ का कंपनी के पास इन्वेंट्री भी है, यानी कि ये डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इस कंपनी के लिए। लेकिन प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा वीक आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 5.13% का है। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर इस कंपनी के हम बात करें लॉन्ग टर्म के चार्ट की, तो आप देखेंगे इस कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल जो कि यहीं पास में आपको देखने को मिल जाएगा, और इस कंपनी का करंट प्राइस भी जस्ट उसी के पास में चल रहा है। अगर यह कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जाता है तो इस कंपनी के लिए काफ़ी बुरा हो सकता है, लेकिन कंपनी अगर उसी के आसपास कंसोलिडेट करके एक बड़ा ब्रेकआउट देता है तो इस कंपनी में आपको एक बड़े टारगेट की उम्मीद कर सकते। कंपनी के ब्रेकआउट के प्राइस की बात करें तो जैसे ही यह कंपनी 3.10 रुपये के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो इस कंपनी में बड़ा ब्रेकआउट आएगा, और उसके बाद यह कंपनी 5 रुपये के आसपास तक का टारगेट आपको दिखा देगा। डाउनसाइड की बात करें तो 2.65 रुपये पे काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। कंपनी जैसे इसको ब्रेक करके अगर नीचे जाता है तो फिर इस कंपनी में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। उम्मीद ज़्यादातर यही है कि यह कंपनी एक बड़ा ब्रेकआउट आपको दिखा जाएगा अगर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करता है। जो लोग इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए बाई किए हैं वो चाहे तो 2.65 रुपये पर अपना स्टॉप लॉस लगाएं और आगे के लिए कंटिन्यू करें। कंपनी एक बार ब्रेकआउट दिखाता है तो फिर फ्रेश एंट्री भी करने की सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले बने रहें अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग। नीचे प्राइस में मिलता है तो आप चाहें तो अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग इस कंपनी को एवरेज भी करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।